बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। बता दें आपको कि बंपर बहाली बिहार पुलिस में होनी है, जिसको देखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तो वहीं कितने पदों पर बहाली होनी है इसको देखते हुए उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बिहार के बेरोजगार युवाओं को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्वीट से खुशखबरी मिली है। तो वहीं प्रदेश के पुलिस महकमे में सुधारों के तहत सीधी भर्तियां शुरू की जाएगी। ऐसे में सरकार ने बेरोजगारों से जो है कहीं ना कहीं किया गया वादा को पूरा करने के दिशा में यह कदम बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो बिहार में रोजगार के लिए भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट कर बेरोजगार युवाओं में एक बार फिर से उम्मीद जगा दी है। हालांकि बीते हफ्ते ही विधानसभा सत्र के दौरान भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे एसटीईटी सीटेट पास युवाओं पर बिहार पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी। वहीं लगातार बहाली की वो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था। वहीं इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार पुलिस में बंपर बहाली, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित नियुक्ति करने हेतु 75,543 पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती होगी। देखिए तेजस्वी यादव का यह ट्वीट है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने यह बताया है कि 75,543 पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती होगी, जिसको देखते हुए जो है ट्विटर अकाउंट पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तो वहीं बिहार पुलिस में कैसे अच्छा काम करे बिहार पुलिस, तो वहीं बिहार पुलिस कैसे आगे बढ़े, बिहार में क्राइम को कैसे रोके, इसको देखते हुए 75,543 पदों पर बंपर बहाली होनी है, तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है। वहीं तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। वहीं इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि दिन और रात हम आपके साथ। इस वाक्य के साथ उन्होंने युवाओं के साथ जो है संवाद करते और सेल्फी लेते हुए अपनी तस्वीरें साझा की थी। तो वहीं देखा जाए तो बिहार पुलिस ने पटना में बीते हफ्ते में जो है मंगलवार के दिन ही जो है प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जमकर लाठियां भांजी थी। वहीं ये युवा शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी और सीटेट के अभ्यर्थी हैं। तो वहीं देखा जाए तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की जो परीक्षा है वो पास किए हुए अभ्यर्थी थे, लेकिन देखा जाए तो प्रदेश के सरकार से जो है भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस के तहत जो है लाठीचार्ज अभ्यर्थियों पर कर दी गई। वहीं तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, जिसके बाद बता दें कि नीतीश सरकार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ऐसे में बेरोजगार युवाओं को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार लगातार कर रहे हैं। तो वहीं एक आस लगा के बैठे हैं बिहार सरकार से बिहार के युवा। तो वहीं इससे पहले बीते माह खबर आई थी कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो है 10,459 जो पदाधिकारियों हैं उनके तहत जो है कर्मियों का योगदान जल्द सुनिश्चित कराने के साथ ही नई नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से जो है रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि जो बहाली है वो होनी है। तो वहीं आपको हमने बताया कि इस तरीके से 75,543 पदों पर पुलिस कर्मियों की बहाली होगी, देखने वाली बात होगी कहां तक यह सच होता है। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं को रोजगार देते हैं कि नहीं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।